हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैब्स किचन। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्ची लस्सी और रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों, गर्मियों के दिनों में अगर आप इसे बना के पीते हैं तो आपकी बॉडी को एकदम ठंडक पहुँचती है। तो इस रेसिपी को आप गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने शरबत की रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो बोल लिए हैं। एक में हम कच्ची लस्सी बनाएंगे और एक बोल में हम रूह अफ़ज़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रूह अफ़ज़ा यानी गुलाब का शरबत बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक कड़छी चीनी की डाली है इस बोल के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा ग्लास नॉर्मल पानी। चीनी को घोलने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चीनी ठंडे पानी में घुलती नहीं है। एक कड़छी चीनी से हम यहाँ पे तीन ग्लास रूह अफ़ज़ा का शरबत के बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी चीनी एकदम घुल चुकी है। अब हम इसके अंदर एक कड़छी रूह अफ़ज़ा या फिर कोई भी गुलाब का शरबत डाल सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस मेजरमेंट के साथ आप कोई भी टाइप का शरबत इसमें बना सकते हो। तो पहले हमने इसमें आधा ग्लास नॉर्मल पानी का डाला था, अब हम इसके अंदर ढाई ग्लास यानी कि 2.5 ग्लास ठंडे पानी के इसमें डालेंगे। तो देखिए, अब हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए तो हमारा शरबत कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अब हम अपनी कच्ची लस्सी की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाली है चीनी। तो एक बोल के अंदर मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं। अब इसके बाद मैं फिर से इसमें आधा ग्लास पानी का डालूंगी। नॉर्मल पानी ही लिया है, चीनी घोलने के लिए पानी इसके अंदर डाल दिया है। हम अपनी चीनी को घोल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी के लिए थे, तो मैं 3 ही चम्मच रूह अफ़ज़ा के इसके अंदर डालूंगी। अब हम रूह अफ़ज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर कच्चा दूध डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ ग्लास यानी कि 3/4 ग्लास दूध का डाल दिया है। यहाँ पे मैंने कच्चे दूध का ही यूज़ किया है। अब हम इसमें 2 ग्लास ठंडे पानी के डाल देंगे। तो अब हमारी कच्ची लस्सी भी एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। जब तक हम अपनी कच्ची लस्सी को सर्व कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे और भी कुछ इसी टाइप की रेसिपीज शेयर की हुई हैं। आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इसको सर्व करने के लिए ठंडा ठंडा इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल देते हैं। तो गाइज, हमारी कच्ची लस्सी और रूह अफ़ज़ा एकदम रेडी हो चुका है और ये पीने में बहुत ही ठंडा और टेस्टी भी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।